Now come to the next example. Consider a disc system with 100 cylinders. The request to access the cylinder occurs in the following sequence. 4, 34, 10, 7, 19, 73, 2, 15, 6 and 20. Assuming that the head is currently at cylinder number 50, what is time taken to satisfy all requests? If it takes 2 milliseconds to move from one cylinder to adjacent one and takes additional 10 milliseconds whenever head direction is changed. SSTF algorithm is used. Assume initially head direction towards track number 0. Okay. तो 100 सिलेंडर्स हैं, ट्रैक नंबर 0 की तरफ है, इसका मतलब 0 और इधर 99 होगा, 3, 3, 6 और 4, 10 अलोंग विथ 50, तो सबसे छोटा 3, 2, 4, 6, 7, 10, 2, 4, 6, 7, 10. That is 5 requests. Next, 15, 19, 20. 15, 19, 20. उसके बाद आपका 34. इसके बाद 73. तो 3, 3, 6, 2, 8. और 34 50 पे इनिशियली है और 73 ये आपके सारे के सारे हमने अरेंज कर दिए. नाउ ये इससे रहता है मिस्टेक होने के चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं. नाउ अब सुनिएगा, इनिशियली है 50 पे और जो डायरेक्शन है हेड की वो इस तरफ है. नाउ ये रिक्वेस्ट है 50 से 34 16 और 50 से 73 23. तो ऑब्वियस है मुझे किस तरफ मूव होना पड़ेगा, 34, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. अगर पहले ही होती तो मुझे वहां पर भी 10 मिलीसेकंड करना होता. क्लियर है? नाउ 34 से 20 दैट इज 14 और इधर तो बड़ा है ही है. नाउ अगर मैं 20 से बात करता हूं 19, तो यहां पर आपका 19, तो ये सब चलता रहेगा, हाँ या ना? 19 34 से 20, फिर 20 से 19, 19 से 15, क्योंकि यहां पर ये सब डिफरेंस छोटा छोटा है और ऑब्वियस है 73 ही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, तो मैं यहां पर चलता जाऊंगा सबकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का. नेक्स्ट और लास्ट में आपका क्या है, 73. ओके, तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना SSTF में टोटल मुझे सीख कितना लगा, तो 50 माइनस 2 48 प्लस 71 इट इज 1196 या सिलेंडर मूवमेंट्स मुझे लगे. क्लियर है? नाउ अब समय पूछा है तो एक के लिए 2, तो 119 इंटू 2 मिली सेकेंड प्लस हर एक हेड मूवमेंट पे एडिशनल 10 मिली सेकेंड. तो यहां पर इनिशियली हेड मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कहां गिनूंगा, एक बार हेड मूवमेंट गिनूंगा, दैट इज 10 मिली सेकेंड. क्लियर है? 119 That is 238 plus 10, 248 milliseconds. बात समझ में?
इतना मुझे टोटल टाइम लगा, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो गलती से भी प्लीज ये मत सोच लेना कि आपको ऐसा ही दिया है और वो इसी की पूछ है। हो सकता है 2 मिलीसेकंड की बजाय प्लस माइनस कोई टाइम होता, हेड मूवमेंट का टाइम नॉर्मली नहीं गिवन होता है तो 0 होता है, क्लियर। तो इस तरीके की वेरिएशंस आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है। यहां पर मैं आपको ट्रैक नंबर या सिलेंडर नंबर दे रहा हूं। कहीं बार हो सकता है आपको सिलेंडर नंबर, सेक्टर नंबर, ये सब कुछ गिवन है, या सरफेस नंबर, क्लियर। और ये तीनों चीजें आपको गिवन है और ऐसी कुछ मल्टीपल रिक्वेस्ट आपको गिवन है और आपको सीक पूछा है, तब यू विल कंसीडर सिलेंडर नंबर या ट्रैक नंबर, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्लियर है। और उस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका, क्लियर। इज देयर एनी डाउट?